अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे अनाम खान। आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो है वो क्यूरीज के बारे में पढ़ाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो क्यूरीज पढ़ाऊंगा वो एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़ाऊंगा। पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो है वो क्यूरी सिंपल क्यूरी के बारे में बताया और एक भी छोटी सी एग्जाम्पल दी कि आप उसको किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं और उसको सॉर्ट करने के बाद वो डेटा को किस तरह से व्यू कर सकते हैं या अपनी रिपोर्ट वगैरह के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मेरा लेक्चर नंबर 2 है और उसके अंदर भी मैं आपको जो उसी क्यूरी के बारे में बताऊंगा। सिंपल क्यूरी का लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में मैं आपको जो है वो एम्प्लाइज की जो सैलरीज वगैरह होती है उसके बारे में बताऊंगा कि एम्प्लाइज की सैलरीज को हम जो है वो उनकी मिनिमम सैलरी, उनकी मैक्सिमम सैलरी, उनकी एवरेज सैलरी या और दूसरे तरीके की जो क्राइटेरियाज है उनको हम अपनी क्यूरीज में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपनी उसी टेबल की तरफ जिसको मैंने कल आपको इस्तेमाल करके दिखाया था, जिसका नाम मैंने एम्प्लॉय रखा था। ठीक है, आज मैंने एक क्यूरी आपके लिए और बना के रखी है जिसका नाम मैंने एम्प्लॉय सैलरी रखा हुआ है। तो हम इस क्यूरी को देखते हैं कि ये क्यूरी क्या कर रही है। ठीक है, इसको मैं आपको जो है पहले ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ओपन करने पे ये मैंने आपको दिखाया है कि मेरे पास कुछ एक लिस्ट आ रही है जिसमें एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है, उनकी जॉब्स आ रही है और उनकी मैक्सिमम सैलरी आ रही है। ठीक है, इससे छोटी सी क्वेरी के अंदर मैं आपका मेरा टारगेट ये या मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि मैं जो इस डिपार्टमेंट का मैनेजर है उसकी सैलरी आ जाए, मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, और इस डिपार्टमेंट के जो सेल मैन है उसकी मैक्सिमम सैलरी आ जाए। इसी तरह से नंबर 2 वाला डिपार्टमेंट जो है उसके उसके मैनेजर की जो मैक्सिमम सैलरी है वो आ जाए और उससे उसी डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट 2 के जो सेल्स मैन है उसकी मैक्सिमम सैलरी आ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कि ये जो मेरी क्यूरी है मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया है या इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल किया है। इसको मैं व्यू करता हूँ एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, देखिए मैंने इसको एसक्यूएल के अंदर इस्तेमाल किया है। इसको मैं आपको मैग्निफाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप देखें, इसको मैंने थोड़ा सा आपके लिए मैग्निफाई किया। तो इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, एक मैक्स का फंक्शन लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है मैंने, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय की जॉब। ठीक है, और उसके बाद सैलरी के साथ मैंने एक मैक्सिमम का नंबर लगा दिया है, मैक्स का फंक्शन लगा दिया है, जो भी आपकी जो मैक्सिमम सैलरी होगी उसको पिक करेगा और बाकी सब सैलरी को छोड़ देगा। ठीक है, बाकी चीजें मैंने वो ही रखी है जो कल मैंने आपको बताई थी कि जी इसमें जो है वो ऑर्डर नंबर इस्तेमाल किया गया है, ऑर्डर बाय जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर, ऑर्डर बाय जो है वो जॉब नंबर, जैसे कि मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि मैंने क्यों किया है। ठीक है, जिन लोगों ने उस लेक्चर को देखा था वो उस चीज को समझ सकते हैं और जिन्होंने नहीं देखा था, जो आज मेरे लेक्चर को देख रहे हैं उनको ये मैं बता दूं कि इनको हमने जो डिपार्टमेंट नंबर और जॉब नंबर की जो यानी जो एम्प्लॉय की जॉब है उसने सॉर्ट किया हुआ है, ताकि पहले डिपार्टमेंट आए, फिर मैनेजर आए, फिर डिपार्टमेंट आए, फिर सैलरी सेल्समैन आए, फिर दूसरा डिपार्टमेंट आए, उसके मैनेजर आए और उसके बाद उसके जो सेल्समैन आए। तो इस पर्पज के लिए मैंने जो इसको ऑर्डर किया हुआ है डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय जॉब के ऊपर। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कल वाली सिंपल जो क्यूरी थी वो बहुत सिंपल थी। इसके इसी इस क्यूरी को मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि मुझे मैक्सिमम सैलरी चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज या हर एम्प्लॉय मतलब जो उस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी जो मैनेजर की, ठीक है, उस डिपार्टमेंट में जो मैक्सिमम सैलरी हो सेल्समैन की, इसी तरह से डिपार्टमेंट नंबर 2 यानी कि दूसरा वाला जो डिपार्टमेंट हो उसके मैनेजर की मैक्सिमम सैलरी और उसके जो एम्प्लॉय है या सेल्समैन है उसकी मैक्सिमम सैलरी। इस पर्पज के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन इस्तेमाल किया है जिसको हम मैक्स का फंक्शन कहते हैं। ठीक है, मैक्स फंक्शन अगर आपने सीखने हैं तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जिनको मैंने अपने प्रीवियस क्यूरीज के अंदर पढ़ाया है उसको देख सकते हैं। हर किस्म के फंक्शन को मैंने डिटेल जो है वो आपको वहाँ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको वैसे बताए काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स वगैरह में कह दीजिएगा, मैं इसी के इन्हीं क्यूरीज के अंदर जो है वो आपको मजीद जो है वो बता सकता हूँ, मजीद मैं आपको जो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, मैं और आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ कि जी मैं ये जो मेरा रिजल्ट आ रहा है तो मैं वापस जाता हूँ डेटा शीट व्यू में। देखिए, मैनेजर की मेरी मैक्सिमम सैलरी दिखा रहा है ये 90। ठीक है, सेल्समैन की डिवाइजी मैक्सिमम सैलरी दिखा रहा है ये 50। आई मैं देखता हूँ कि रिजल्ट मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे वेरीफाई होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो मैंने जो ड्यूटी की है वो 100% काम कर रही है या नहीं कर रही। इसके लिए मैं एम्प्लॉय की टेबल को ऑन करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने एम्प्लॉय के टेबल को ऑन किया। उसके बाद मैंने, क्योंकि पहले मैंने डिपार्टमेंट नंबर 10 दिया है तो मैंने इसको फिल्टर कर दिया डिपार्टमेंट नंबर 10 के ऊपर। देखिए, डिपार्टमेंट नंबर यहाँ से मैंने हटाया और ये हटा दूंगा। ठीक
ये डिपार्टमेंट में 10 है, यहाँ से मैंने सबको हटा दिया, ये डिपार्टमेंट 10 आ गया, ये देखिए डिपार्टमेंट 10 आ गया। अब आप देखेंगे इसमें डिपार्टमेंट नंबर 10 में जो मैनेजर तो एक ही है और उसकी सैलरी भी 90,000 है, मैक्सिमम वही सैलरी है, लेकिन सेल्स मैनेजर वो 5 ही है। ठीक है, अब इसमें से उसने मैक्सिमम सैलरी उठानी है, इसमें 50,000 भी आ रहा है, 40,000 भी आ रहा है, 45,000 भी आ रहा है, 35 भी आ रहा है, 37 भी आ रहा है, 45 भी आ रहा है। तो क्या ख्याल है आपके पास जो इस वक्त मैक्सिमम सैलरी क्या होनी चाहिए? ठीक है, मैनेजर एक ही 90,000 ही होगी, ऑब्वियसली 90,000 है। ठीक है, और सेल्समैन में अगर मैं यहाँ पे नजर डालूँ तो मेरे ख्याल से 50,000 मुझे यहाँ पे मैक्सिमम लग रहा है। इसको मैं यहाँ से भी वेरीफाई कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आया, मैंने जो ये फंक्शन है इसमें क्या मैक्सिमम का फंक्शन लगा दिया। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 10 पे ये दिखा रहा है मैक्सिमम जो है वो कितनी आ रही है। ठीक है, किसकी दिखा रहा है ये जो 90,000 दिखा रहा है, लेकिन ये सबकी दिखा रहा है। अब ये 90,000 लेकिन मुझे किसकी चाहिए? सेल्स मैनेजर की पता चल गई मुझे कि 90,000 है। क्या ये सेल्समैन की भी मैक्सिमम सैलरी सही उठा रहा है? इसके लिए मैं क्या करूंगा, सेल्समैन को यहाँ पर फिल्टर कर दूंगा। ये देखिए सेल्समैन को इसने बता दिया कि 50 आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम सैलरी जो ये क्या यहाँ पे क्या लेके आ रहा है, 50 लेके आ रहा है, यही जब काम मेरी क्यूरी कर रही है। ठीक है, मैनेजर की जो जो सैलरी है वो 90,000 है, सेल्समैन की सैलरी जो है वो 50,000। किस डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट नंबर 10 में। अगर हम यही चीज दोबारा देखें डिपार्टमेंट 20 के हिसाब से, चले मैं डिपार्टमेंट 10 को हटा देता हूँ, 20 को सिलेक्ट करता हूँ, तो अब ये सारा डेटा आ गया। किसका आ गया? मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर 20 का आ गया। तो यहाँ पर जो मेरे पास मैनेजर है, पहले इसको देख लेते हैं, दोनों चीजें सिलेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे सिर्फ सेल्समैन सेलेक्ट हुआ था। यहाँ पे जो मैनेजर है, यहाँ पे मैनेजर आपके पास ये आ रहा है, इसकी जो 1,80,000 सैलरी आ रही है, यही मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पे भी मैक्सिमम दिखा रहा है, लेकिन अगर इसी मैक्सिमम को मैं सेल्समैन के ऊपर देखूँ, यहाँ से मैनेजर हटा देता हूँ, सेल्समैन को देखूँ, तो सेल्समैन यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम जो सैलरी अर्न कर रहा है वो है 55,000। क्या मेरी क्यूरी भी ये रिजल्ट लेके आ रही है, या मेरी क्यूरी से काम कर रही है? ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे देखा तो मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर 20 में सेल्समैन की जो सैलरी आ रही है वो 55,000 आ रही है, यानी कि जो मैंने क्यूरी राइट की है वो 100% सही है। ठीक है, बहुत ही आसान सी, बहुत ही सिंपल सी क्यूरी थी, इसको टेबल को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और अपनी क्यूरी की तरफ दोबारा जाता हूँ, एक नजर और डाल लें ताकि आप जो है वो इसको आसानी से देख सके। ठीक है, इसको मैं व्यू कर देता हूँ, दोबारा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें आप यहाँ पर, ये देखिए इसमें जो है वो सिंपल क्यूरी इस्तेमाल की गई है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो है वो ग्रुपिंग भी की गई है। ठीक है, जब आप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम का, मिनिमम का, तो उसमें आपको ग्रुप वाइज इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो जाहिर सी बात है कि पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर या एक किसी ग्रुप के ऊपर काम कर रहा होता है, तो हमें जो है बताना पड़ता है कि ये किस ग्रुप के ऊपर काम कर रहा है। जैसे सेल्समैन के अंदर जो 5-6 लोग थे, यानी कि 5-6 लोगों का एक ग्रुप था, तो मुझे बताना पड़ा कि ये ग्रुप वाइज है। अगर मैं इसको जो है वो डिजाइन व्यू में देख जाकर देख लूँ तो आपको ज्यादा आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, ये आई है अभी हमें डिजाइन व्यू में, तो यहाँ देखें कि ये सैलरी है। ठीक है, ये छोटी सी क्यूरी है, मैंने ऐसी एक्सेस की क्यूरी बनाई हुई है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इन तीनों फील्ड को सिलेक्ट किया, डिपार्टमेंट नंबर को, जॉब को, सैलरी को, और मैंने ग्रुप बाय का क्लॉज इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, ग्रुप बाय का क्लॉज यहाँ सम सम वाले फंक्शन से आ जाता है, जैसे आप सम को प्रेस करेंगे ग्रुप बाय का क्लॉज तीनों पे आ जाएगा। सैलरी में मुझे मैक्सिमम चाहिए थी तो मैंने यहाँ पर जो है वो मैक्स का फंक्शन इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो एसक्यूएल होगी वो खुद का खुद बना देगा, जो कि मैंने आपको पीछे दिखाई है। तो इसको भी रन करेंगे तो आपके पास वही चीज सामने आ रही होगी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो मैक्सिमम सैलरी निकाल सकते हैं, मिनिमम सैलरी निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको मिनिमम सैलरी भी करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसके अंदर जो है वो इसको यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, आपके डिजाइन व्यू में जाता हूँ, डिजाइन व्यू में जाके मैं मैक्सिमम की जगह ये फंक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखिए, ये फंक्शन है जो लिस्ट ऑफ फंक्शन आ रही है, आप इसमें सम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सैलरीज का सम इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर जो वो इस किस्म के तमाम फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको मैक्सिमम सैलरी दिखाई, अब मैं आपको मिनिमम सैलरी दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर फंक्शन क्या चेंज कर दिया, मिनिमम रन करा मैंने, तो यहाँ पे देखेंगे मैनेजर तो ज्यादा एक ही था, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो 90,000 ही लेके आएगा, लेकिन सेल्समैन में मिनिमम सैलरी जो 35,000 है। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 10 में भी और डिपार्टमेंट नंबर 20 में भी छोटा सा फंक्शन मैक्सिमम से मैंने मिनिमम में किया, तो आपका जो क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया, यानी कि आपका नंबर टास्क जो नंबर 2 था वो भी आपने जो वो गेन कर लिया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से फंक्शन है, अगर आप इसके एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज का सिंपल डिजाइन व्यू के अंदर जाएं।
ठीक है, आप सिंपल इसमें डिजाइन व्यू में गए, आप यहाँ पर फंक्शंस मेरे पास आ रहे हैं, आप चाहे इसके सम इस्तेमाल कर लें, चाहे आप मिनिमम इस्तेमाल कर लें, चाहे इसका एवरेज इस्तेमाल कर लें, ये तमाम फंक्शंस आपके लिए काफी हेल्पफुल हैं। ठीक है, ये हमें जो प्रैक्टिकली जी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं, जब हम प्रोफेशनल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तब हमें इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं। बहुत आसान सी चीजें होती है ये, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास क्लियर हो जाए तो, जैसे कल भी मैंने आपसे कहा था कि जूरीज के अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप जो है बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको जो है वो बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स किस्म की जो रिपोर्टिंग हो, कॉम्प्लेक्स किस्म की जो क्यूरीज है वो आती है। तो उसका तरीका कार ये है कि आप बेसिक से मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है उसको सीखना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता जो वो आगे बढ़े और कॉम्प्लेक्स क्यूरी की तरफ चले जाए। अगर आप शुरू में ही कुछ कॉम्प्लेक्स क्यूरी सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको हो सकता है कि किसी आप ना सीख पाए, या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, या आप जो है वो सही तरह से वो रिकॉर्डिंग ना कर सके। ठीक है, आपके लिए बेहतर यही है कि आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप सीखें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, मैं अपनी वीडियोस को जो है वो शॉर्ट इसलिए रख रहा हूँ कि आप जो है वो आपके लिए वो लेंथी ना हो, आप उसमें बोरिंग ना महसूस करें। ठीक है, आप उसको देखें, कॉन्सेप्ट को गेन करें और अप्लाई करें, दैट्स ऑल। ठीक है, इसलिए नंबर इसमें भी आपके जो आज का मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसमें बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, मिनिमम सिखा दिया, मैक्सिमम सिखा दिया, आपका जो सम है वो सिखा दिया, इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट सिखा दिए जो आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो चेंज करते रहेंगे और उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का मेरे लेक्चर समझ में आया होगा, जो लेक्चर नंबर 2 है आपके जो सिंपल क्यूरीज हैं विद एग्जांपल्स बारे में। ठीक है, तो मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया, मैंने मेरे बताने का मकसद यहाँ पे क्लियर हो गया। आई होप कि आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर आप मेरे साथ चलते रहे तो मतलब लेक्चर नंबर 3 के अंदर, लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम और आगे जाके मजीद चलाते रहेंगे और मजीद चीजें सीखते रहेंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि मेरा टास्क यही है कि मैं आपको उस काबिल कर दूं कि आप जो कॉम्प्लेक्स कदम की रिपोर्टिंग कर सके। जब आप अच्छी क्यूरीज बनाना सीख जाएंगे तो हम कॉम्प्लेक्स कदम की रिपोर्ट भी सीख लेंगे, बना सकने के काबिल हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर मैं यही में खत्म करता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। एक दफा फिर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है और आपको मेरे लेक्चर के कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है, तो मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरे वीडियोस को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, बस यही मेरे आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। मेरा मकसद ये है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकें, ठीक है, एसक्यूएल को अच्छी तरह से समझ सकें, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, बस यही मैं खत्म करूंगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नई चीज के साथ, नए फंक्शन के साथ या नई क्यूरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।